पुलिस अफीसर विहाड़ी मोहम्मद तारक अजीज की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी सिलसिले में विहाड़ी पुलिस ने तलीमी इदारों समेत मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करने वाले ग्रोह को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मंशियात कब्जे में कर ली गई। पुलिस थाना माछीवाल ने चक नंबर 19 के इलाके में कार्रवाई करते हुए मंशियात जैसे जहर की सप्लाई करने वाले मुलजमान साजद और साबर उर्फ काका को गिरफ्तार करके बिल तरतीब 3720 ग्राम चरस और 2460 ग्राम चरस बरामद की। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वो चक नंबर 21 WB का रहायशी ड्रग डीलर मुनीर ढुड्डी की मंशियात फरोश करते हैं, जिस पर DPO विहाड़ी मोहम्मद तारक अजीज की हिदायत पर SHO माछीवाल हसन कियानी पर मुश्तमल खसूसी टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने कामयाब रेड के दौरान वहां पर मौजूद 51 किलो 245 ग्राम चरस को कब्जे में ले लिया। इस मौके पर DPO विहाड़ी मोहम्मद तारक अजीज का कहना था कि नशे की आदत जहां इंसानी तबाही का सबब बनती है, वहां कई मुआशरती और समाजी बुराइयों को भी जन्म देती है। मुआशरे से मनशियात की लानत और इस मकरूह धंधे में मुलव्वस समाज दुश्मन अनासर का खात्मा हमारी औलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम थाना जात में पुलिस टीमें फास्ट ट्रैक पर कार्रवाइयां कर रही है। मनशियात फरोश डीलर और स्मगलर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तलीमी इदारों स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी के गर्दोनुमा में ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, ताकि नौजवान नस्ल को मनशियात की जानब राहब करने और सप्लाई देने वाले मुजरमान को कलम कता किया जा सके।